हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रमन हाजिर हूँ आपके लिए नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको YouTube के चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि भाई इनकी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या फीचर्स हमें इसमें देखने के लिए मिलेंगे और इसे कैसे अपने चैनल पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। मैंने फ्रेंड्स टाइम बचाने के लिए यहाँ पर एक वीडियो को भी ऑलरेडी यहाँ पर ओपन करके रख रखा है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी लिमिटेशन के बारे में कि आपको कौन कौन सी इनकी बातों का ध्यान रखना है चैप्टर्स क्रिएट करने से पहले। सबसे पहला फ्रेंड जो आपको यहाँ पर बात ध्यान में रखनी है, मेनली फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने तीन शर्तें रखी है कि भाई हमारी अगर ये तीन शर्तें पूरी होगी उसके बाद आप अपने चैप्टर्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। जैसे कि फ्रेंड्स आपको भी इस वीडियो में भी चैप्टर्स दिख रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी वीडियो में भी आपको चैप्टर्स शो होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो जब आपको अपने चैप्टर स्टार्ट करने हैं, सबसे जो इनका पहला रूल है वो है कि भाई आपको यहाँ पर 00 से स्टार्ट करना है। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी 00 लिखकर यहाँ पर एंट्रो लिख दिया, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको भी कुछ ना कुछ लिखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जब भी आप अपना कोई भी एक ऐसे का अपना चैप्टर क्रिएट करेंगे, चैप्टर क्रिएट करने के समय आपको दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो रखनी है कि भाई आपको यहाँ पर कम से कम तीन चैप्टर तो क्रिएट करने ही है। जैसे कि मैंने अभी करे हैं 1, 2, 3 और 4। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपने इस चैनल पर, इस वीडियो पर अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 चैप्टर को क्रिएट किया है। तो आपको फ्रेंड्स कम से कम यहाँ पर 3 चैप्टर तो रखने ही है। अगर आप अपनी वीडियो में 3 या इससे कम चैप्टर रखते हैं तो आपकी वीडियो पर चैप्टर शो नहीं होंगे। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो में चैप्टर रख सकें। उसके बाद फ्रेंड, जो इनकी आखिरी इन्होंने अपनी लिमिटेशन बताई है, आखिरी जो इसे अप्लाई करने का मेथड है उसका फ्रेंड, जो आखिरी हमारे पास फीचर आ रहा है वो आ रहा है कि भाई इनकी जो, जैसे कि फ्रेंड जो इनकी ड्यूरेशन होती है, जैसे कि ये है 0.00, उसके बाद है ये हमारे पास आ गया 0.19, यानी कि इसमें हमारे पास 19 का फर्क है। यहाँ पर हमारे पास 19 का फर्क है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि भी आपकी जो आपने यहाँ पर चैप्टर्स क्रिएट किए हैं वो कम से कम आपका एक चैप्टर 10 सेकंड से बड़ा हो, 10 सेकंड से छोटा आपका कोई भी चैप्टर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर 10 सेकंड से छोटा कोई भी चैप्टर होगा तो वो अच्छे तरीके से वर्क ही नहीं करेगा फ्रेंड्स, वो तो जो भी 10 सेकंड से कम बड़ा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ पर मैंने आपको सभी जरूरी बातें बता दी, उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो और बातें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने ये वाला चैप्टर क्रिएट कर दिया। उसके बाद ही देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो यहाँ पर बिचाले एक डंडा लगाया है, यहाँ पर इसके इस साइड भी मैंने यहाँ पर स्पेस लगाई है और इस साइड भी मैंने यहाँ पर स्पेस लगाई है, ताकि जिससे कि आपके ये वाले जो आपने यहाँ पर अपना टाइम शो किया है, जो यहाँ पर आपने टाइमिंग दी है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर शो हो सके। उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इसे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको एक और कोई फ़ोन लेना है और उस पर अपनी वीडियो को प्ले करके देखना है। प्ले करते समय फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि आप कब कौन सी चीज़ बता रहे हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इंट्रो में बताया था वाईफाई के बारे में, उसके बाद मैंने यहाँ पर 19 सेकंड तक बताया था इंट्रो के बारे में, उसके बाद मैं यहाँ पर 19 सेकंड से बाद मैं यहाँ पर वाईफाई के बेनिफिट के बारे में बात करने लग गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 155 तक इसके बेनिफिट की बात की, उसके बाद मैंने वाईफाई डिस्क्वालिटी की बात करनी स्टार्ट की 156 से। तो यहाँ पर मैंने 156 लिखकर यहाँ पर मैंने वाईफाई डिस्क्वालिटी लिख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स 247 के बाद मैं यहाँ पर जो इसकी एक्स्ट्रा टिप्स थी, जो इसकी एक्स्ट्रा ट्रिक्स थी, जैसे कि हम इससे अपना फ़ोन भी चला सकते हैं या अपने वाईफाई से कॉलिंग भी कर सकते हैं, वो कैसे, जो मैंने ऐसी कुछ खास टिप्स थी वो मैंने वीडियो के अंत में बताई है। वीडियो के अंत में फ्रेंड्स मैं कुछ ना कुछ नॉलेज देता रहता हूँ, सो मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। इस वीडियो को भी फ्रेंड्स पूरा देखना ताकि आप अच्छे से समझ सकें। उसके बाद फ्रेंड्स, ये तो आपने यहाँ पर सभी लिख लिया, उसके बाद आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है वीडियो एडिट करते समय। अगर तो फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को एडिट कर लिया तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी चैप्टर्स लगा सकते हो। बट फ्रेंड्स ऐसे जब भी कोई आदमी आपकी वीडियो पर आएगा या जब भी कोई व्यूवर आपकी वीडियो को वॉच करेगा, सिर्फ तभी वो उसको चैप्टर ये शो होंगे। आप इस चैप्टर से अपने व्यूज ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, आप अपनी वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है वो इससे ज़्यादा कर सकते हो, बट आप इससे अपनी वीडियो पर और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं ला सकते। उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको एक और टिप बताने जा रहा हूँ। वीडियो के आखिर में आपको एक और बहुत ही बढ़िया इसकी टिप बताने जा रहा हूँ कि फ्रेंड्स जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर लिखा है वाईफाई बेनिफिट,
तो आप जब मेरी ये वाली वीडियो वॉच करेंगे तो आपको 19 पर, आपको 19 पर, आपको यहाँ पर वाईफाई बेनिफिट ही देखने को मिलेंगे। वहां पर मैंने वीडियो में लिखा हुआ है वाईफाई बेनिफिट, जब मैंने एडिटिंग करी थी उसके बाद फ्रेंड मैंने 156 पर यहाँ पर वाईफाई डिस्क्वालिटी यहाँ पर मैंने लिखा है वीडियो में भी। इससे फ्रेंड्स क्या होगा, एक तो ये वाले टैग, ये देखिए ये टैग मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आ गए, उसके बाद यही टैग मेरी वीडियो में आ गए, उसके बाद यही टैग मैंने अपने यहाँ पर टाइटल में लगा रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर नीचे देखता हूँ तो मेरे यही यही टैग मेरे यहाँ पर रैंक करेंगे। ये देखिए वाईफाई डिस्क्वालिटी वाला टैग मेरे यहाँ पर रैंक कर रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने टैग्स को रैंक भी करवा सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। अभी फ्रेंड्स मैंने इसकी एडिटिंग अभी यहाँ पर किया है, तो अभी जो टैग है बाकी के टैग है वो थोड़ा सा समय रुक कर यहाँ पर वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये मैंने आपको यहाँ पर पूरा इसका प्रोसीजर बता दिया। जिन वीडियो में आपने वीडियो एडिट करते समय कुछ नहीं लिखा, उस वीडियो में भी फ्रेंड्स आप इसका यूज ले सकते हैं। आप इस तरीके से यहाँ पर एंट्रो को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट लगेगा, और जब कोई भी व्यूवर आपकी वीडियो को देखेगा, अगर फ्रेंड जैसे कि मेरी वाईफाई वीडियो वाली ये वाली मेरी वीडियो है, अगर किसी व्यूवर ने इसकी डिस्क्वालिटी देखनी है या इसके बेनिफिट देखने, तो वो सीधा उसी टाइमलाइन पर क्लिक करेगा जो चीज उसने देखनी है। अगर फ्रेंड्स आपको इसकी डिस्क्वालिटी देखनी है तो आप उस वाले हिस्से पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और वहां से अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आज की ये वाली वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेजफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।